Good morning students, welcome to our YouTube channel. This is Neetu Yadav and today we will start a new chapter from class 11th chemistry. The name of the chapter is S block element. Before starting the chapter I would like to say that कि ये chapter में जो हम basic चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें हमने chapter 3 में भी कुछ पढ़ी हुई है, तो better होगा कि आप अपनी previous knowledge को थोड़ा सा मतलब back वो कहते हैं ना secondary brain से primary brain मतलब आप लेकर आओगे, उनको recall करोगे चीज़ों को, तो आपको बहुत अच्छे से ये chapter समझ में आएगा. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था. तो पीरियोडिक टेबल हमारी कुछ इस तरह की होती है. आई होप ये विजिबल होगा यहाँ तक, शायद यहाँ तक विजिबल होगा, एक बार चेक करेंगे प्लीज़. तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ ऐसी है, थोड़ा थोड़ा जो उसका फ्रेमवर्क है वो कुछ ऐसा है. तो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था दैट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देर आर 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स, पढ़ा हुआ ये चीज़ हमने. तो 18 ग्रुप वो हम नंबरिंग करते थे 1, 2, 3 और 3 to 12 यहाँ होता था, देन 13 to 17 एंड द लास्ट 0 ग्रुप जो कि नॉबल गैसेस को कंटेन करता है 18th ग्रुप होता है. और पीरियड्स की बात करते थे तो 1 to 7 पीरियड्स होते थे हमारे पास. अब हमने उसी में पीरियडिक क्लासिफिकेशन में हमने क्लासिफिकेशन इन ब्लॉक्स पढ़ा था. हमने अपने पीरियडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया था. कैसे? जो ग्रुप 1 and 2 है, दीज टू ग्रुप्स विल कॉन्स्टिट्यूट द एस ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर 13 to ग्रुप 18 विल कॉन्स्टिट्यूट पी ब्लॉक एंड 3 to 12 वी आर हैविंग डी ब्लॉक एंड लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स. दो रो सेपरेटली हमें नीचे नज़र आती है, वो क्या है आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं. तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये किस बेस पे किया गया था? बच्चों अगर सब कुछ समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आती जाती है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए. कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और अच्छा करने की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मोटिवेशन मिले. चलिए बात करते हैं, हमने क्लासिफाई किया ब्लॉक्स में अपनी पीरियडिक टेबल को किस बेस पे किया. फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इज 11. कॉन्फ़िगरेशन भी हमने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1, या सिंपली हम बात करते हैं 2 8 1. ये वाला कॉन्फ़िगरेशन 10th तक करते थे. अब हम शेल्स के कॉन्फ़िगरेशन को ना करके ऑर्बिटल्स में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड 4p, इस तरीके से वो सीरीज़ है पूरी जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं. एस कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी कैन अकोमोडेट 10 एंड एफ कैन अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स इन इट. तो यहाँ पर हम बात करें तो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 8 1 या 2 2 6 1 जो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री कर रहा है? एस ऑर्बिटल में एंट्री कर रहा है, दैट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 17 आप लिखते हो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 8 12 एंड 5. ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्लोरीन का. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पी ऑर्बिटल में जा रहा है. तो क्लोरीन आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 17 में आता है. 17 एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंट्री करता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसके ब्लॉक डिसाइड हमने किए थे. चैप्टर 3 में डिटेल में किया था बिल्कुल, वीडियोज़ नहीं देखी है ज़रूर देखिए. ठीक है, फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 की एग्जांपल अगर मैं मान लो कैल्शियम का भी एक और ले रही हूँ, तो कैल्शियम में क्या होता है आपका आर्गन 18 होता है और यहाँ पर आपके पास आएगा 4s1. ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास 4s1. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा, सॉरी 1 नहीं 2 आएगा कैल्शियम में, 18 एंड 2 20 एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का. तो 4s2 लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो वो कौन सा ब्लॉक हुआ? s ब्लॉक हुआ. तो s ब्लॉक एलिमेंट की मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है, दो ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे. कौन कौन से ग्रुप? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ठीक है, तो ये चीज़ थी एस ब्लॉक के का इंट्रोडक्शन कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं. तो एस ब्लॉक एलिमेंट आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन एस ऑर्बिटल. यहाँ तक क्लियर हुआ. अब जनरल सी मैं बात करूँ, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, तो देखो यहाँ पर हमें N3S1 नज़र आ रहा है. ग्रुप 1 का एलिमेंट है सोडियम, ग्रुप 2 का एलिमेंट है कैल्शियम. मैं एग्जांपल्स बिल्कुल यहाँ पर ले लेती हूँ. ग्रुप 1 मैं कंसिडर कर रही हूँ. ग्रुप 1 हमारा लिथियम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन को हम सेपरेटली पढ़ चुके हैं, तो लिथियम से स्टार्ट करेंगे. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम एंड फ्रेंशियम. फ्रेंशियम को भी हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है. तो हमारा जो ग्रुप वन है वो लिथियम से स्टार्ट होकर के सीजियम तक हम स्टडी करेंगे, ग्रुप वन. ठीक. और ग्रुप टू जो है हमारा वो क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू एलिमेंट्स. क्लियर. अब हम बात करते हैं पहले ग्रुप वन. अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूँ तो इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है, NS1. इसकी बात करेंगे तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और NS2. अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करूँ तो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 2 2. ठीक है. अगर ग्रुप में सेपरेटली बात करूँ तो ये NS1 होगा और इसका NS2 होगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 होगी. ऑक्सीडेशन स्टेट रूल्स में पढ़ा था, ग्रुप 1 के एलिमेंट की सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस 1 होती है. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस 2 होती है. दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड. अभी बात भी करेंगे इस बारे में. उसके बाद अब हम कुछ वेरिएशंस की बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरिएशंस की बात करेंगे. सबसे पहले मैं कंसिडर कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. सेकंड कंसिडर करेंगे एटॉमिक रेडियस को. तो देखो, एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, चैप्टर 3 से ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी मैं. एटॉमिक रेडियस व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज. और लेफ्ट टू राइट की बात करूँ तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 2 से इंक्रीज साइज में छोटे बड़े होंगे, क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है. तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स स्मॉल हुए इन साइज और इनके एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी. यानी कि मैं बात करूँ अल्केली मेटल्स की, तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ है, तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हुई, लार्जेस्ट हुई. और लिथियम की एटॉमिक रेडियस क्या हुई, स्मॉलेस्ट हुई. ठीक है. आयनिक रेडियस में भी सेम ट्रेंड रहेगा. लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो ये छोटे होते हैं ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड. तो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में अल्कली मेटल साइज में सबसे बड़े होते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करूँ तो जो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3 है, जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियड नंबर 3, उन सबसे एटॉमिक साइज बड़ा होगा किसका, सोडियम का. लेकिन टॉप टू बॉटम बात करें तो साइज इंक्रीज होता है. आई होप क्लियर हुआ यहाँ तक. एटॉमिक रेडियस के साथ साथ हम आयनिक रेडियस की भी बात कर सकते हैं, तो सेम ही ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो क्या हुआ कि टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियस इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट बात करें तो डिक्रीज होती है. तो इसका मतलब ये बड़े हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से. ग्रुप 1 को अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर बात करूँगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की. आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो हम कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है. वॉट यू थिंक, जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है. अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी नाउ. दैट मीन्स आई कैन से दैट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉप टू बॉटम, द ईज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम इज इजियर, मतलब बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. दैट मीन्स एनर्जी रिक्वायरमेंट घटेगी, तो टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होगी. टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम. लेफ्ट टू राइट कंपेयर कर रहे हो तो साइज डिक्रीज हो रहा था, तो ऑब्वियसली बात है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी. ध्यान देना, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रही हूँ. अगर सेकंड की बात करें, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम ने अटेन कर लिया नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी मच डिफिकल्ट फ्रॉम ग्रुप 1 एलिमेंट्स, क्योंकि आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन दे आर अटेनिंग अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 की बात करेंगे, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है. आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड इज वेरी मच हाई. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पे मेटालिक करेक्टर. तो इट इज़ सिंपली आई कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, क्योंकि हमने कहा जितना बड़ा साइज होगा एटम का उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, दैट मीन्स उतना ही ज़्यादा मेटालिक करेक्टर है. तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ मेटालिक करेक्टर की, तो टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज. क्लियर है यहाँ तक. तो मेटालिक करेक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी कहा जा सकता है, सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये बात कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो रिड्यूसिंग बिहेवियर. मैं यहाँ से ये रब कर देती हूँ,
ठीक है। रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात करूँ, इसका मतलब कितनी जल्दी कोई मेटल, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात कर रही हूँ मैं, रिड्यूसिंग बिहेवियर या रिड्यूसिंग करेक्टर। वी नो ना कि मतलब जो आपके मेटल्स हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे वॉन्ट टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन है, सामने वाले का रिडक्शन करवाएंगे, कहने का मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। सो जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे थे, हम बात कर रहे थे किसकी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इनकी हम बात कर रहे थे। तो टॉप टू बॉटम जब आप आ रहे हो तो साइज इंक्रीज हो रहा है, मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर पा रही है, इसका मतलब अच्छी रिड्यूसिंग बिहेवियर है, मतलब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होता है, सबसे अच्छा कौन हुआ, सीजियम। फिर मैं बात करूँगी प्रॉपर्टी नंबर 7 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अगर मैं बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत कम होता है क्योंकि सॉफ्ट मेटल्स हैं। दूसरी बात, अगर टॉप टू बॉटम की वेरिएशन बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। सीजियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा भी अगर अप हो जाता है टेम्परेचर तो सीजियम मेल्ट हो जाती है। कहने का मतलब टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के वेरिएशंस थे जो हमें कुछ पहले से भी आते थे, कुछ आज हमने इनको रिवाइज किया है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टी के वेरिएशंस के बाद हमारे पास आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही हमारे लिए इनफ है। अगर वीडियो पसंद आया हो, सारे वेरिएशंस कॉन्सेप्ट समझ आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय।